आज हम डायनाप्रो स्लाइड के बारे में बात करेंगे। ये डायनाप्रो स्लाइड लकड़ी के ड्रॉअर के लिए और मेटल के ड्रॉअर के लिए इस्तेमाल की जाती है। डायनाप्रो का स्लाइड 40 किलो वजन तक ले सकती है। जब आप लकड़ी की ड्रॉअर इस्तेमाल करते हो तो उसके पीछे एक डायनाप्रो के लिए एक बैक एडेप्टर आता है और एक फ्रंट क्लिप आती है। इस ड्रॉअर को स्लाइड के ऊपर लगाने के लिए इस ड्रॉअर को आप ऊपर रख दीजिए और स्लाइड कर दीजिए, ये ड्रॉअर लॉक हो गया। इतनी आसानी से लॉक हो जाता है। अगर आपको इसको निकालना है, ड्रॉअर के नीचे जो क्लिप है उसको दबाइए और ड्रॉअर वापस निकल आएगा। इस तरह से निकल आता है। इस ड्रॉअर के अंदर एडजस्टमेंट है, इस फेशिया को ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट और टिल्टिंग का एडजस्टमेंट है, तो इसको 3D एडजस्टमेंट कहा जाता है। इस ग्रीन क्लिप से आप इस ड्रॉअर को टिल्ट करोगे, इससे आप ड्रॉअर को ऊपर नीचे करोगे और इससे आप ड्रॉअर को लेफ्ट राइट करोगे। अगर हम इसी ड्रॉअर के ऊपर, स्लाइड के ऊपर अभी ये मेटल ड्रॉअर लगाएंगे जिसको वियोनारो कहा जाता है, ये अलग अलग कलर में आते हैं। यहाँ पे सिल्वर दिखाया है, यहाँ ग्रेफाइट दिखाया है। इसी तरह आप इस स्लाइड के ऊपर ये ड्रॉअर लगाएंगे और ये लॉक हो जाएगा। इसकी ओपनिंग फोर्सेस बहुत कम है, मेरे एक छोटी सी फिंगर के साथ मैं अभी खोल रहा हूँ, तो बहुत आसानी से ये ड्रॉअर खुल जाता है और बहुत अच्छी तरह बंद भी हो जाता है। निकालने के लिए वही सिस्टम, इसी क्लिप को मैंने दबाया और खोल दिया। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये बॉटम के ऊपर कोई खाच मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ी एडवांटेज डायनाप्रो स्लाइड की है। 40 किलो की मिलती है और 70 किलो वेट कैपेसिटी में भी मिलती है। थैंक यू। तारे गप्तर कर।